हे गाइज, कैसे आप सब लोग। तो आज हम बेस्ट स्कूटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप यदि खरीदते हैं तो वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं और आपको वो अच्छी माइलेज दे सकते हैं एंड अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ऐसे स्कूटर्स के या फिर स्कूटी बोल सकते हैं आप, तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने मैं आपको स्कूटीज या स्कूटर बताने वाला हूँ तो वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं। यदि आप इन पांचों स्कूटर्स में से यदि कोई भी खरीदते हैं तो आपका फुल पैसा वसूल होने वाला है। तो आज की वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैंने जो स्कूटर रखा है वो है TVS का एंटोर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस स्कूटर में आपको 124 cc का इंजन मिलता है एंड पावर आपको 9.4 bhp की मिलती है, जो कि इस रेंज में इस स्कूटर में आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है एंड टॉर्क भी आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। 10.5 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिलता है एंड इसमें आपको जो स्पीडोमीटर है वो बिल्कुल फुली डिजिटल है। उसमें आपको नेविगेशन भी मिलता है, जो कि कोई भी स्कूटर नहीं देता आपको। तो ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस TVS स्कूटर में, TVS के एंटोर्क 125 में, जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी सेलिंग हो रही है इस स्कूटर की। तो मैं इसी के लिए रिकमेंड करूँगा सबसे फर्स्ट, जो कि यदि कोई आप मेरे से पूछते हो तो मैं सबसे पहले इसी को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी पावर, जो इसके एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्यारी एंड काफ़ी ज़्यादा बेस है इसकी आवाज़ में एग्जॉस्ट की में। तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है, यदि आप कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्कूटर में, काफ़ी अच्छा। और इसमें आपको माइलेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, यदि आप इसकी माइलेज देखते हैं तो 50 प्लस आपको इजीली माइलेज मिलेगी, हाईवे पे आपको 55 भी मिल सकती है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो आप 105, मैंने 105 से ऊपर नहीं भगाया कभी भी, तो 105 इसकी टॉप स्पीड है, उससे ऊपर भी जा सकता है, 105 से ऊपर 115 भी जा सकता है वैसे तो, बट मैंने इससे ज़्यादा कभी भगाया नहीं। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है एंड पीछे आपको रियर में ड्रम मिलता है। तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में इसके बारे में। और जो इस स्कूटर का जो प्राइस है एंटोर्क का, वो है 69,000, जो कि ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव में। यदि आपको चेक करना है तो आप इजीली गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी में क्या कुछ इसका प्राइस रहने वाला है। तो नंबर सेकंड पे जो मैंने स्कूटर रखा है वो काफ़ी अच्छा है, दिखने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा लगता है दिखने में, हैवी सा लगता है बट है नहीं इतना हैवी। तो वो है सुजुकी की तरफ से बर्गमैन, जो कि 125 cc के साथ आता है। उसका इंजन भी 124 cc का है एंड इसमें आपको पावर जो मिलती है वो एंटोर्क से काफ़ी कम है, 8.7 bhp, बट दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। एंटोर्क में आपको टॉप स्पीड थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, पर बर्गमैन में आपको कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, उसी के साथ साथ लुक भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। टॉर्क आपको लगभग सेम ही मिल जाता है, टॉर्क आपको बर्गमैन में मिलता है 10.2 न्यूटन मीटर का, जो कि काफ़ी अच्छा है, पिकअप वगैरह अच्छा खासा दे देता है ये स्कूटर भी। तो इसमें माइलेज आपको मिलती है 54 किलोमीटर पर लीटर की, जो कि मिनिमम बताइए मैंने 54, मतलब 50 तो इसकी मिनिमम है ही, और आपको हाईवे पे 60 भी दे सकता है यदि आप एक कांस्टेंट स्पीड में चलाते हैं तो। बट ये जो स्कूटर्स होते हैं ये शुरू में ज़्यादा माइलेज देते हैं, बाद में इनकी कम होती चली जाती है, बट बाइक में ऐसा नहीं है, बाइक में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाइक में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। जैसे 50 की नई बाइक 50 की दे रही है तो बाद में 45 की देगी, लेकिन स्कूटर में काफ़ी कम हो जाती है, मैंने देखा है, आप बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या है। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो आपको 100 प्लस ईजिली मिल जाएगी। तो इस स्कूटर में भी आपको फ्रंट पे डिस्क मिलता है एंड जो रियर है उसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। तो इसमें भी आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है एंड डिजिटल ट्रिप मीटर, मतलब पूरा जो मीटर कंसोल है वो डिजिटल है, एनालॉग का कोई सिस्टम है ही नहीं इसमें भी, TVS की तरह है। बट इसमें आपको नेविगेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फीचर नहीं दिए गए, क्योंकि और वैसे इसकी प्राइस भी सबसे ज़्यादा है, इससे एंटोर्क से भी ज़्यादा प्राइस है। तो वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे TVS एंटोर्क 125 है, यदि आप लेना चाहते तो उसको ले सकते हैं। उसके टायर भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है इससे बर्गमैन से। तो इसका जो प्राइस है बर्गमैन का ऑन रोड प्राइस जो है इसका गुड़गांव में वो है 80,000 से 81,000 के बीच में पड़ता है। तो आप चेक कर सकते हैं इजीली गूगल पे, यदि आपको नहीं पता आपकी सिटी में क्या प्राइस है तो इजीली जाके चेक कर सकते हैं। तो ये स्कूटर भी काफ़ी अच्छा है, दिखने में काफ़ी अच्छा है। और यदि बात करें थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे मैंने रखा है सुजुकी एक्सेस 125, जो कि काफ़ी अच्छी स्कूटी है ये भी। तो इसमें भी 124 cc का इंजन मिलता है आपको, पावर मिलती है आपको 8.7 bhp की, जो कि सेम इंजन है आपको बर्गमैन वाला इसमें मिलता है, बट ये थोड़ी हैवी नहीं है तो उस वजह से इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। इसमें आपको 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, बिल्कुल सेम वही स्पेसिफिकेशन से सब कुछ। तो इसमें माइलेज जो मिलती है आपको वो है 50 प्लस इजीली मिल जाएगी, क्योंकि सेम इंजन है बर्गमैन का ही। तो टॉप स्पीड आपको इसमें मिलती है 105 प्लस इजीली मिल जाएगी, बर्गमैन से ज़्यादा मिलेगी आपको इसमें टॉप स्पीड सुजुकी एक्सेस में, क्योंकि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्कूटी रही है पहले से ही, क्योंकि पहले भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होती थी इसकी, जो पहली वाली स्कूटी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा पावर थी। और इसमें भी आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। और इसमें जो स्पीडोमीटर है वो आपको डिजिटल नहीं मिलता है, आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है। जो ट्रिप मीटर वगैरह है वो आपको डिजिटल मिल जाते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो है 65,000 ऑन रोड गुड़गांव में। और आप चेक कर सकते हैं इजीली गूगल पे जाके क्या कुछ प्राइस है आपकी लोकेशन पे या फिर आपकी सिटी में, तो आप वहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये स्कूटर भी काफ़ी अच्छा है वैसे सुजुकी बर्गमैन और सुजुकी एक्सेस में। यदि मेरे से पूछो कि कौन सी स्कूटी आप, तो मैं रिकमेंड करूँगा सुजुकी एक्सेस, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकती है। ना ही तो ज़्यादा हैवी वेट है और काफ़ी अच्छी, दिखने में भी काफ़ी अच्छी है, लुक वाइज भी काफ़ी ठीक ठाक है और काफ़ी प्रीमियम लगती है मतलब देखने में। लेकिन सुजुकी बर्गमैन को यदि हम देखते हैं तो यार थोड़ा हैवी सा लगता है थोड़ा, तो वो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। बट वैल्यू फॉर मनी देखी जाए तो सुजुकी एक्सेस है, क्योंकि उसका काफ़ी कम प्राइस है बर्गमैन से। बर्गमैन में आपसे 15,000 रुपये ज़्यादा लिए जाते हैं एक्सेस से, सिर्फ बॉडी डिज़ाइन के और उसके कुछ फीचर वगैरह उसके। तो फीचर वगैरह यदि आपको फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो इजीली आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं यदि सारी डिटेल देने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं फोर्थ नंबर पे कौन सा स्कूटर मैंने रखा है, तो वो है होंडा की एक्टिवा 125। तो एक्टिवा की काफ़ी अच्छी सेलिंग रही है शुरुआत से ही, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट बनाई है एक्टिवा ने भी अपनी। बट 125 इतनी कुछ खास नहीं चली, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 125 के लिए यदि आपको एक परफॉर्मेंस स्कूटर चाहिए तो इसका प्राइस मैं बता दूंगा आपको। लेकिन जो इसका इंजन है वो है 124 cc का इंजन मिलता है आपको। मैं जितने भी स्कूटर बता रहा हूँ 125 cc के बता रहा हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस स्कूटर जो कि वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं आपके। तो इसमें आपको पावर मिलती है 8.6 bhp की एंड टॉर्क मिलता है आपको 10.5 Nm का, जो कि काफ़ी अच्छा पिकअप देता है आपको। एंड टॉर्क का और एक्टिवा 125 का सेम टॉर्क है, तो आपको पिकअप अच्छा खासा दोनों में मिल जाता है। तो इसमें आपको माइलेज मिल जाती है 60 km/l की इजीली मिल जाएगी, 60 से अबाव मिलती है कुछ ना कुछ। तो इसमें टॉप स्पीड आपको इजीली 100+ मिल जाएगी। बाकी मैंने आज तक कभी राइड किया नहीं है ये स्कूटर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुना है कि काफ़ी अच्छा स्कूटर है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। और वैसे स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा स्कूटर है ये, क्योंकि इसकी प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो डिजिटल ट्रिप मीटर मिलता है, इसमें भी आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, फुली डिजिटल कंसोल नहीं है इसका। और इसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है एंड रियर में आपको ड्रम मिलता है, तो वही ब्रेकिंग सिस्टम सबकी सेम है। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो है 74,000 ऑन रोड प्राइस है। आपको पता ही है होंडा के जो एक्टिवा है उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है बाकी इन सब के मुकाबले, क्योंकि होंडा का जो इंजन होता है वो काफ़ी रिफाइन होता है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देती है। होंडा की स्कूटी या फिर बाइक कुछ भी लगा लो आप, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो अभी बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे जो लास्ट जो स्कूटी है हमारे पास उसके बारे में, तो वो है हीरो की तरफ से हीरो डेस्टिनी 125। तो इसका प्राइस भी कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें आपको 124 cc का इंजन मिलता है, सेम इंजन है सभी में। तो इसमें जो पावर है वो आपको 8.8 bhp की मिलती है, जो कि आपकी 125 एक्टिवा 125 से भी ज़्यादा है और आपकी एक्सेस 125 से भी। बट ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं होता, ये बस सिर्फ दिखने के लिए 8.8 और 8.7 लगभग परफॉर्मेंस इनकी सबकी सेम होती है। यदि पावर ज़्यादा है इसकी तो इसका टॉर्क कम पाएगा, वही बात है फिर सेम आ जाती है इनकी परफॉर्मेंस। तो इसमें जो टॉर्क है वो आपको 10.2 Nm का मिलता है और जो इसकी माइलेज है वो आपको 50+ ईजिली मिल जाएगी। 50 मैंने मिनिमम बताई है, आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, 55 ईजिली आपको हाईवे पे मिल जाएगी। तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको 100+ ईजिली मिल जाती है और जो फ्रंट में इसमें ड्रम है और रियर में भी ड्रम है। तो इसमें आपको डिस्क का ऑप्शन अभी नहीं मिलता है, आपको इसमें ड्रम मिलता है दोनों टायर्स में। बाकी देखते हैं कुछ नया अपडेट आया तो मैं आपको जल्दी शेयर करूँगा आपके साथ यदि कोई डिस्क वगैरह का ऑप्शन आता है तो। और इसमें आपको स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है एंड आपको जो ट्रिप मीटर है वो डिजिटल मिलता है। तो इस स्कूटर का जो प्राइस है वो है 66,000 ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव का। आपको यदि चेक करना तो आप इजीली जाकर गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो यही था बस कुछ आज की वीडियो में जो कि मैंने स्कूटर बताए आपको। तो इनमें से सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा TVS Ntorq 125, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में, काफ़ी ज़्यादा लुक, काफ़ी मस्कुलर दिखता है, काफ़ी अच्छी दिखती है दिखने में, उसका एग्जॉस्ट का काफ़ी अच्छा साउंड लगता है मेरे को। उसका जो प्राइस है वो इन सबसे कम है, सबसे कम तो नहीं लगा सकते, हाँ इससे तो कम है ही एक्सेस 125 और आपकी डेस्टिनी 125, लेकिन इनसे अच्छी भी है वो, सबसे अच्छी जो नंबर वन पे मैंने इसीलिए उसको लगाया क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। तो उसमें जो आपका प्राइस है तो वो है 69,000 ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव का, तो लगभग यही सेम ही होना चाहिए, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो बस यही था कुछ आज की वीडियो में। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और यदि और भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Nine to five job, huh? Well, I know how to make it 1-2 car. Five. What a wonderful day to be riding through. Our people all around me see Monday blues, but I.
Activa 125. Frontastic 125cc power. Upfront style. Added convenience. Make life. One Tuka 5.